दोस्तों ग्रीन टीवी पर वक्त हो गया है देश दुनिया की कुछ खास जानकारियों का, और इसी के साथ आप सभी की दोस्त मैं साबिता ठाकुर एक बार फिर से आप सभी से मुखातिब हो रही हूं देश डायरी के साथ। दोस्तों इस प्रोग्राम के जरिए हम आपको बताते हैं आपसे जुड़ी हुई खबरें जो आपकी जिंदगी से सरोकार रखती हैं। तो देर किस बात की है, बिना एक मिनट जाया किए हुए पलटते हैं देश डायरी के पन्नों को और जानते हैं कि आज की देश डायरी में क्या है खास। 2 साल में भारत की गेहूं जरूरत को बड़ी मात्रा में पूरा करने वाले गेहूं के बड़े निर्यातक देश ऑस्ट्रेलिया में इस साल गेहूं की बंपर पैदावार होने का अनुमान लगाया जा रहा है, जिस वजह से बाजार में गेहूं की कीमतों में गिरावट आ सकती है और इसका असर घरेलू बाजार पर भी दिख सकता है। ऑस्ट्रेलियाई एग्रीकल्चर ब्यूरो यानी ABARES की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक इस साल यानी 2016-17 में ऑस्ट्रेलिया में गेहूं उत्पादन पिछले साल के मुकाबले 45% अधिक हो सकता है। आंकड़ों के मुताबिक इस साल यानी 2016-17 में ऑस्ट्रेलिया में 351.34 लाख टन गेहूँ पैदा होने का अनुमान है, जो अब तक का सबसे अधिक उत्पादन होगा। देखा जाए तो पिछले साल ऑस्ट्रेलिया में 241.68 लाख टन गेहूं का उत्पादन हुआ था। ऑस्ट्रेलिया में गेहूं के साथ जौ की पैदावार में भी इजाफा होने की उम्मीद जताई जा रही है। ABARES की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक 2016-17 के दौरान वहां पर 134.14 लाख टन जौ उत्पादन हो सकता है, जो अब तक का सबसे अधिक उत्पादन होगा और 2015-16 के मुकाबले 56% अधिक होगा। अगर बात करें 2015-16 की तो इस दौरान ऑस्ट्रेलिया में 85.93 लाख टन जौ का उत्पादन दर्ज किया गया था। खरीफ सीजन के दौरान देश में तिलहन के बंपर उत्पादन के बाद अब रबी सीजन में भी अच्छी पैदावार की उम्मीद से देश के वनस्पति तेल का आयात घटा दिया गया है। देश में तेल और तिलहन इंडस्ट्री के संगठन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स ऑफ इंडिया यानी कि SEA की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक जनवरी के दौरान देश में वनस्पति तेल का आयात जून 2015 यानी करीब 19 महीनों में सबसे कम दर्ज किया गया है। आंकड़ों के मुताबिक जनवरी के दौरान देश में कुल 10,24,859 टन वनस्पति तेल का आयात हुआ है, जिसमें 10,08,008 टन खाद्य तेल है और 16,774 टन गैर खाद्य वनस्पति तेल है। तेल आयात आंकड़ों की तुलना पिछले साल जनवरी में हुए आयात से की जाए तो इस साल आयात में करीब 19% की गिरावट दर्ज की गई है। पिछले साल जनवरी के दौरान देश में कुल 12,58,054 टन वनस्पति तेल का आयात दर्ज किया गया था। SEA के मुताबिक नवंबर से शुरू हुए ऑयल वर्ष 2016-17 के पहले 3 महीने यानी नवंबर से जनवरी के दौरान देश में कुल 34,10,008 टन वनस्पति तेल का आयात हो चुका है, जो ऑयल वर्ष 2015-16 की समान अवधि में हुए आयात के मुकाबले 15% कम है। देखा जाए तो 2015-16 में इस दौरान 40,16,391 टन वनस्पति तेल का आयात हो चुका था। देश में आयात होने वाले वनस्पति तेल में अधिकतर पाम ऑयल का आयात होता है, जिसमें क्रूड पाम ऑयल और RBI पामोलिन प्रमुख है। आंकड़ों के मुताबिक जनवरी में 6,08,762 टन पाम ऑयल का आयात हुआ है, जो जुलाई 2016 के बाद सबसे कम मासिक इंपोर्ट है और पिछले साल जनवरी में हुए इंपोर्ट के मुकाबले 11% कम है। लगातार 2 साल के सूखे के बाद इस बार बेहतर मॉनसून से अनाज के उत्पादन में अच्छी बढ़ोतरी होने का अनुमान लगाया जा रहा है और ये अनुमान कृषि मंत्रालय ने लगाया है। वैसे देखा जाए तो क्रॉप ईयर जून में खत्म होता है। कृषि मंत्रालय के अनुमान के मुताबिक गेहूं, चावल, दाल, मोटे अनाज और तिलहन का उत्पादन पिछले साल के रिकॉर्ड स्तर को पार कर सकता है। सूखे के कारण पिछले साल खाद्यान्नों का उत्पादन गिरकर 25.15 करोड़ टन रह गया था, जबकि पिछले रिकॉर्ड 2013-14 में 26.50 करोड़ टन था। मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि 2016 के मॉनसून सीजन बेहतर रहने और सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों के कारण मौजूदा साल में देश में अनाज का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। दूसरे अनुमान के मुताबिक फसल वर्ष 2016-17 यानी जुलाई से जून तक चावल का उत्पादन 10.88 करोड़ टन रहने का अनुमान है, जबकि पिछले साल ये 10.44 करोड़ टन था।
अगर बात करें इस साल की तो इस दौरान गेहूं का उत्पादन 9.66 करोड़ टन रहने का अनुमान है, जबकि 2015-16 में ये 9.22 करोड़ टन था। रबी सीजन में सबसे ज्यादा पैदा होने वाले दलहन चने के सबसे बड़े उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश में इस साल यानी 2016-17 के दौरान चने की पैदावार में पिछले साल के मुकाबले इजाफा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। मध्य प्रदेश कृषि विभाग की ओर से जारी रबी फसलों के लिए अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल राज्य में चने की पैदावार में पिछले साल के मुकाबले 12% से ज्यादा का इजाफा हो सकता है। मध्य प्रदेश कृषि विभाग के अधिकारियों के पहले अनुमान के मुताबिक इस साल यानी फसल वर्ष 2016-17 में राज्य में 37.7 लाख टन चना पैदा होने का अनुमान लगाया गया है, जबकि पिछले साल राज्य में 33.6 लाख टन का उत्पादन हुआ था। मध्य प्रदेश में इस साल चने की खेती बढ़ने के साथ मौसम भी फसल के अनुकूल है, जिस वजह से इसकी पैदावार में इजाफा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। कृषि विभाग के मुताबिक इस साल राज्य में 32.50 लाख हेक्टेयर में चने की खेती हुई है, जबकि पिछले साल 30.17 लाख हेक्टेयर में बुआई दर्ज की गई थी। केंद्र सरकार की ओर से रबी फसलों के लिए पहला अग्रिम अनुमान जल्द जारी हो सकता है। जानकारियों का सिलसिला तो यूं ही जारी रहेगा, लेकिन यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं नहीं जाइए, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे सेंटर फॉर एक्सीलेंस के बारे में। यही नहीं, बल्कि इसके साथ हम आपको और भी कई नई जानकारियों के बारे में बताएंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। सरकार ने 1 अप्रैल से शुरू हो रहे विपणन वर्ष में 3.3 करोड़ टन गेहूं की खरीद का लक्ष्य रखा है। खाद्य मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि वर्ष 2017-18 के लिए गेहूं खरीद का ये लक्ष्य राज्यों के खाद्य सचिवों की अध्यक्षता में हुई बैठक में तय किया गया है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आप देख रहे हैं देश डायरी। सरकार ने 1 अप्रैल से शुरू हो रहे विपणन वर्ष में 3.3 करोड़ टन गेहूं की खरीद का लक्ष्य रखा है। भारतीय खाद्य निगम यानी FCI ने चालू विपणन सत्र में करीब खाद्य मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि वर्ष 2017-18 के लिए गेहूं खरीद का ये लक्ष्य राज्यों के खाद्य सचिवों की अध्यक्षता में हुई बैठक में तय किया गया है। अगर बात करें पंजाब की तो यहां गेहूं की खरीद का लक्ष्य 1.15 टन रखने का है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में 85 लाख टन, हरियाणा में 75 लाख टन, उत्तर प्रदेश में 30 लाख टन और राजस्थान में 17 लाख टन गेहूं की खरीद की जाएगी। केंद्र सरकार ने किसानों को फल और सब्जियों की फसल से होने वाले नुकसान की भरपाई करने की तैयारी कर ली है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री राधा मोहन सिंह ने कहा है कि अगर कोई राज्य सरकार फल या सब्जी का औसत उत्पादन 10% अधिक होने और कीमत में 10% की गिरावट होने पर बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत नुकसान भरपाई का प्रस्ताव भेजती है तो उसे तुरंत मंजूरी दे दी जाएगी। जल्दी नष्ट हो जाने वाली फसलों का उत्पादन करने वाले किसानों की चिंताओं के बारे में पूछे जाने पर कृषि मंत्री ने कहा कि अगर राज्य सरकार ने बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत फल या सब्जी के नुकसान के बारे में प्रस्ताव देती है और वहां उत्पादन 10% से ज्यादा बड़ा हो लेकिन कीमत में 10% की कमी आई हो, तब उस प्रस्ताव को मंजूरी देकर तुरंत ही मदद दी जाएगी। इन्होंने कहा कि देश में अनाज का जितना उत्पादन हो रहा है निश्चित रूप से उपभोक्ताओं तक पहुंचने के क्रम में उसमें से 10% बर्बाद हो जाता है। इसी तरह फल और सब्जियों का जितना उत्पादन होता है उनमें से 22% उपभोक्ताओं तक पहुंचते पहुंचते बर्बाद हो जाता है। इसी वजह से केंद्र सरकार ने कोल्ड स्टोर से लेकर खाद्य प्रसंस्करण आदि की योजनाओं को तेज किया है। कृषि मंत्री ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों के हितों का पोषण करने वाली अब तक की सर्वश्रेष्ठ योजना करार दिया है। पिछले वर्ष खरीफ फसलों में देश में 3.15 करोड़ किसानों ने बीमा कराया था। इनमें से 3 करोड़ किसान ऐसे थे जो कर्ज लेते थे, लेकिन 15 लाख किसान ऐसे भी थे जो कर्ज नहीं लेते थे, हालांकि इन्होंने बीमा करा रखा था। इसके साथ साथ कृषि मंत्री ने ये भी कहा कि खरीफ में आई नई कृषि बीमा योजना में किसानों को पूरा मुआवजा मिल रहा है। इस वर्ष 1.10 करोड़ ऐसे किसानों ने बीमा कराया जो कर्ज नहीं लेने वाले थे।
इससे साफ है कि किसानों में इस योजना को लेकर आकर्षण बढ़ा है। गांव और किसानों के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कृषि विकास दर बढ़कर 4.1% होने का अनुमान दर्शाता है कि सरकार किसानों और खेतीबाड़ी की बेहतरी के लिए कितनी गंभीरता से काम कर रही है। देश के कई किसान अभी भी खेती और उससे जुड़ी विभिन्न तकनीकियों की सही जानकारी न होने की वजह से उन्नत खेती से दूर हैं। किसानों को आधुनिक खेती और संबंधित तकनीकों की जानकारी देने के लिए उत्तर प्रदेश के कन्नौज और बस्ती जिले में सेंटर फॉर एक्सीलेंस बनाया गया है। इन केंद्रों पर इजराइल के वैज्ञानिकों की ओर से खेती की नई तकनीक सिखाई जाएगी। इसके साथ ही केंद्र में बनाई गई प्रयोगशाला में बीजों की गुणवत्ता सुधार कर किसानों को कम दामों पर उपलब्ध कराया जाएगा। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग उत्तर प्रदेश के निदेशक SP जोशी ने कहा कि किसानों की सुविधा और उनके बेहतर उत्पादन के लिए ये केंद्र बनाए गए हैं। यहाँ पर किसान खेती से जुड़ी हर तरह की जानकारी हमारे विशेषज्ञों से ले सकते हैं। कम लागत में किस तरह किसान अपनी फसलों से अच्छा और बेहतर उत्पादन ले सकते हैं, इसके लिए ये केंद्र तैयार किए गए हैं। कन्नौज में बने केंद्र पर किसानों को जहाँ सब्जियों के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा, वहीं बस्ती में तैयार केंद्र पर फलों का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। केंद्रों पर खेती के साथ प्रसंस्करण और सभी नई तकनीकी की जानकारी केवल दी ही नहीं जाएगी, बल्कि किसानों के सामने उनका उपयोग करके भी दिखाया जाएगा। प्लांटिंग सामग्री भी तैयार करके किसानों को यहां से दी जाएगी। किसानों के साथ अलग अलग राज्यों में कृषि विभाग से जुड़े अधिकारी भी इस प्रशिक्षण में भाग लेंगे। खेती की बारीकियों को समझकर देश भर से आए ये अधिकारी अपने अपने जनपदों और प्रदेशों में जाकर वहीं के किसानों से इन नई तकनीकों को साझा करेंगे। अन्य जिलों और प्रदेश से आए किसानों को प्रशिक्षण के दौरान भटकना ना पड़े, इसके लिए भी विभाग की ओर से किसानों को पूरी सहूलियत दी गई है। उनके रहने और खाने के लिए हॉस्टल बनाए गए हैं, जो केवल किसानों के लिए ही उपलब्ध हैं। एक हॉस्टल में लगभग 50 किसान आसानी से रह सकते हैं। उनके लिए खाने की भी पूरी तैयारी विभाग की ओर से की जाएगी। पूरे साल तक किसानों को इस तरह का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। एक हफ्ते में किसानों का एक बैच प्रशिक्षण में शामिल होगा, जिसमें 30 से 35 किसान भाग लेंगे। इसके साथ दूसरे हफ्ते के बैच में फिर इतने ही किसान शामिल होंगे। महंगाई के मुद्दे पर अंतर मंत्रालय कमेटी की बैठक में खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार दालों की कीमतों को काबू में करने के लिए जिस बफर स्टॉक को तैयार कर रही है, उसके तहत सरकारी स्टॉक में करीब 10 लाख टन दलहन जमा हो चुका है। कहा जा रहा है कि देश में ऐसा पहली बार हुआ है। उपभोक्ता मामलों के विभाग के मुताबिक दलहन के बम्पर स्टॉक के लिए किसानों से खरीद की गई है और कुछ का आयात हुआ है। विभाग के अनुसार किसानों से जो खरीद हुई है, उसमें से 5 लाख टन से ज्यादा दलहन मौजूदा खरीद मार्केटिंग सीजन में ही की गई है। किसानों से दलहन खरीद रही एजेंसियों को निर्देश देते हुए अंतर मंत्रालय कमेटी ने कहा कि वे अपनी खरीद जारी रखें। मध्य प्रदेश में 18,360 हेक्टेयर सिंचाई क्षेत्र की 4 सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई है। ये फैसला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में पचमढ़ी में संपन्न मंत्री परिषद की बैठक में लिया गया। इसके साथ ही बैठक में ग्रामीण आबादी को बाजार, स्वास्थ्य केंद्र, शिक्षा केंद्र, औद्योगिक क्षेत्र आदि से बेहतर पहुंच मार्ग देने और इनकी दूरी कम करने के लिए मध्य प्रदेश रूरल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को अनुमोदन प्रदान किया गया। मंत्रिपरिषद ने सिंचाई परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान करते हुए जबलपुर की छीता खुदरी मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए 310.03 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। इससे 8,920 हेक्टेयर में सिंचाई हो सकती है। इसी क्रम में रतलाम की कोटेश्वर लघु सिंचाई परियोजना के लिए 69 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है। इससे 1,995 हेक्टेयर रकबे में सिंचाई क्षमता बढ़ेगी। सागर की कैप मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए 162 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है।
इससे 5,135 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता में वृद्धि होगी। इस परियोजना से सागर जिले के रहली विकास खंड के 21 गांव लाभान्वित होंगे। बुरहानपुर की भावसा मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए 104 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इससे 2,310 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता में वृद्धि होगी। इन सिंचाई परियोजनाओं से प्रदेश में कुल 18,360 हेक्टेयर सिंचाई रकबे में वृद्धि होगी। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे बिहार में बिचौलियों की भूमिका सीमित करने के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड ने कौन सा फैसला लिया है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश डायरी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है देश डायरी में। बिहार में बिचौलियों की भूमिका सीमित करने के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड यानी सेबी ने अधिक से अधिक किसानों को वायदा बाजार से जोड़ने का फैसला लिया है। इसके लिए प्रतिभूति नियामक ने एक्सचेंज से नई डिलीवरी सेंटर बनाने पर ध्यान देने को भी कहा है। दूसरी तरफ NCDEX ने भी राज्य में एक नया केंद्र खोलने का ऐलान किया है। सेबी के मुताबिक किसानों को उचित मूल्य दिलाने के लिए वे एक नया प्रयोग कर रहा है जिसकी शुरुआत बिहार से हो रही है। सेबी के प्रमुख UK सिन्हा ने NCDEX के एक कार्यक्रम में कहा कि पिछले दिनों मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर चिंता जताई थी कि वायदा बाजार का ज्यादा फायदा आज भी बिचौलिए उठा रहे हैं। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा किसानों से इस कारोबार से जुड़ने पर जोर दिया है ताकि किसानों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य मिल सके। साथ ही सेबी के प्रमुख UK सिन्हा ने भी कहा कि हमारी कोशिश है कि वायदा बाजार देश में कृषि विकास में एक अहम अवयव के रूप में काम करे। इस बारे में हम नए प्रयोग करने वाले हैं जिसका फायदा सीधे रूप से किसानों को होगा। हमने एक्सचेंज से कहा है कि वे नई डिलीवरी सेंटर्स बनाएं, जिससे किसानों को ज्यादा दूर तक ना जाना पड़े। इस मौके पर NCDEX ने राज्य में किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए कई कदमों का भी ऐलान किया। अगली जानकारी मध्य प्रदेश से है। यहाँ के 1,25,000 किसानों को पिछले साल खरीफ फसलों में हुए नुकसान की भरपाई के लिए जल्द ही फसल बीमा मिलेगा। केंद्र सरकार ने किसानों के बीमा दावों को मंजूरी देते हुए अपने हिस्से के 123 करोड़ रुपए बीमा कंपनियों को जारी कर दिए हैं। इतनी ही राशि राज्य सरकार भी जारी करेगी। ये रकम किसानों के खातों में 15 दिन के भीतर पहुंच जाएगी। प्रमुख कृषि सचिव डॉक्टर राजेश राजौरा ने बताया कि राज्य सरकार ने किसानों को बीमा का फायदा दिलाने के लिए 1,25,000 किसानों के बाद में प्रकरण बनाकर बीमा दावा किया था। केंद्र ने इसे मंजूर कर लिया है और राशि भी बीमा कंपनियों को जारी कर दी है। 1-2 दिन में ये रकम बीमा कंपनी के खाते में आ जाएगी। राज्य सरकार भी अपने हिस्से के 123 करोड़ रुपए जल्द जमा करेगी। किसानों के खातों में फसल बीमा की रकम 15 दिन के भीतर पहुंच जाएगी। सरकार अब तक प्रदेश के 20,46,000 किसानों को 4,416 करोड़ रुपए का फसल बीमा दिला चुकी है। इस सीजन में फसल बीमा की देश भर में से ये सबसे बड़ी राशि है। हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी शहरों में एक समुचित सुविधाओं वाले डेयरी परिसर की कार्य योजना तैयार करने के लिए मंत्रिमंडल की एक उप समिति बनाने का फैसला किया है। ये फैसला मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुए राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया है। इस समिति में राज्य के कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन और सहकारिता राज्य मंत्री मनीष कुमार ग्रोवर शामिल होंगे। एकीकृत डेयरी परिसर के बारे में समिति अपनी रिपोर्ट 1 माह के भीतर सौंप देगी। राज्य के शहरी योजना विभाग से कहा गया है कि वे ऐसे स्थानों की पहचान कर बताएं जहां शहरों के आसपास डेयरी, चारा और सब्जी मंडी स्थापित की जा सकती है। इस प्रकार के परिसरों को एकीकृत डेयरी परिसर कहा जाएगा। राज्य मंत्रिमंडल ने टाउन एंड कंट्री विभाग के प्रस्ताव में लोगों से मिले सुझावों के अनुरूप संशोधन करने को भी मंजूरी दे दी है। इसमें परिवर्तन संबंधित विकास नीति को अमल में लाए जाने पर काम किया जाएगा। इसमें ऐसे मामलों के बारे में संशोधन होगा जिनमें किसी व्यक्ति विशेष ने किसी संस्थागत क्षेत्र में लाइसेंस के लिए आवेदन किया है, उस व्यक्ति को सरकार को उतनी ही भूमि उसी विकास योजना के तहत आवासीय क्षेत्र में उपलब्ध करानी होगी। सरकार इस भूमि का इस्तेमाल कॉलेज, अस्पताल, बिजली घर और पुलिस स्टेशन आदि के लिए करेगी।
बिहार इफ्को के प्रबंध निदेशक मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर यूएस अवस्थी ने एसकेएम हॉल में इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड यानी कि इफ्को की स्वर्ण जयंती वर्ष पर किसान सहकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि अगर किसान नीम के पौधे लगाएंगे तो उससे किसानों को तो फायदा होगा ही, साथ ही पर्यावरण भी बचेगा। इन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि इफ्को किसानों से 15 रुपए प्रति किलो की दर से निम्बोली खरीद लेगा। इस दौरान इन्होंने कहा कि इस साल देश में 26 लाख नीम के पौधे लगाने का उनका लक्ष्य है, जिसमें से 13 लाख पौधे तैयार कर लिए गए हैं। इन पौधों की रिसर्च इफ्को फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून से करा रहा है, जिससे सिर्फ 5 साल में ही निम्बोली मिल जाएगी। कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नति कृषि शिक्षा योजना को रेखांकित करते हुए कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने कहा कि कृषि स्नातक के पाठ्यक्रमों को रोजगार से जोड़कर पेशेवर बना दिया गया है, जिससे अब छात्र छात्राओं को अपनी आजीविका अर्जित करने में काफ़ी मदद मिलेगी। कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना शुरू की गई है, जिसमें 5.35 करोड़ रुपए से 100 केंद्र खोले जाने हैं। CAU इम्फाल में 6 नए कॉलेज खोले गए हैं, जिससे वहां कॉलेजों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। राज्य के कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों एवं परिषद संस्थानों के निदेशकों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष 5वीं डीन समिति की रिपोर्ट देश भर के कृषि विश्वविद्यालयों में लागू कर दी गई और ये इसी शैक्षणिक सत्र 2016-17 से लागू हो जाएगी। इन्होंने कहा कि युवा राष्ट्र की धरोहर है और कृषि की बेहतरी के लिए ये जरूरी है कि हम अपने युवाओं को कृषि की ओर आकर्षित करें। इसमें कृषि विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों की अहम भूमिका है। इस दिशा में ICAR द्वारा स्टूडेंट्स रेडी योजना चलाई जा रही है, जिसमें वर्ष 2016-17 में सभी छात्रों की फेलोशिप को 1000 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए कर दिया गया है। तो दोस्तों, आज की देश डायरी में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ और नई जानकारियों के साथ और आपको बताएंगे देश दुनिया से जुड़ी कुछ खास और लेटेस्ट खबरों के बारे में। तब तक कृषि से जुड़ी जानकारियों के लिए आप देखते रहिए ग्रीन टीवी और अपनी दोस्त साबिता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।